नगर पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों एवं अन्य सहयोगी और धमदा नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा 1800 लोगों को निःशुल्क राशन प्रदान की योजना बनाई है, जिसका शुभारंभ वार्ड क्रमांक 1 बाजार चौक से प्रारंभ किया गया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता राजीव गुप्ता, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री सरिता यादव, पार्षद मनोज यादव, विजय ढीमर एवं अन्य सहयोगी द्वारा गरीब असहाय लोगों का सहयोग किया जा रहा है। वहीं मजदूर, बीपीएल मध्यम लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है। यह शुरुआत आज बाजार चौक वार्ड 1 से प्रारंभ हुई, जो निरंतर पूरे 15 वार्डों में जारी रहेगी। धमदा नगर के पूरे 15 वार्डों में राशन वितरण किया जाएगा। नगर पंचायत धमदा अध्यक्ष सुनीता गुप्ता, राजीव गुप्ता, जिला कांग्रेस महासचिव द्वारा 1800 परिवारों को लगभग 7 लाख रुपए की राशि से राशन वितरण किया जा रहा है। हम लोग पूरे 15 वार्डों में करेंगे और अपने जितने भी 15 वार्ड हैं उसमें से गरीब असहाय लोग हैं उनको हम लोग मदद कर रहे हैं। इसमें 1800 करीब पैकेट बनाया जा रहा है, जिसमें आटा है और दाल है, शक्कर है, चाय पत्ती है, आलू है, प्याज है और तेल है। जो जरूरी आवश्यकता है, जिनको नहीं मिल पाता उनके लिए हम लोग ये पैकेट बना रहे हैं। टीसीपी 24 न्यूज के लिए धमदा से विमलेश द्विवेदी की रिपोर्ट।